सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत 2005 में की थी, जिसके तहत सभी गांवों का विद्युतीकरण करवाया जाना था। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि इस योजना के लागू होने के 10 वर्ष बाद भी कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के कड़ा गांव का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिससे यहां रहने वाले ओम कुंड सहित 300 लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ लाइट की समस्या है, लाइट के हमें समस्या मोबाइल के लिए है, मोबाइल चार्जिंग नहीं हो पाता, दूर जाते हैं लगाने के लिए, जैसे टीवी से समाचार नहीं देख पाते, पढ़ने लिखने के लिए दिक्कत होती है, लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, पढ़ाई के लिए इसलिए दिक्कत होती है, 2 लीटर तेल मिलता है उससे जो है गुजारा नहीं होता, 4 भाई हैं, 1 लालटेन से कैसे पढ़ेंगे, यही सब दिक्कतें हैं। आपके साथ साथ यहाँ और कितने लोग हैं जिनको लाइट की असुविधा है? यहाँ 300-400 लोग हैं लगभग। कभी क्या यहाँ कोई प्रयास हुआ है लाइट के लिए कि लाइट लगना चाहिए? अप्लीकेशन दो तो कोई सुनवाई नहीं होती। और किस तरह की लाइट से समस्या हो रही है? लाइट से एक तो समस्या यह है कि हम देश विदेशों के खबर नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम टीवी नहीं चला सकते, हमारे मोबाइल की बैटरी है वो भी चार्ज नहीं हो पा रही है, हम अपने अधिकारियों से बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसी खेती बाड़ी है जो बिना लाइट की ही ऐसी पड़ी है कि दूर दूर खंबे हैं, तो वो समरसेबल भी नहीं करवा सकते हैं कि वो लाइट से अपना समरसेबल चला के खेती बाड़ी भी कर सके, इसीलिए खेत भी बंजर पड़े रहते हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस गांव में का विद्युतीकरण कराया जा सके, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि कौशाम्बी जनपद के अधिशासी अभियंता के मोबाइल नंबर 94-53-047-60-1 पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे इस गांव का विद्युतीकरण कराया जा सके। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।